संभागीय परिवहन विभाग के तत्वाधान में तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन संभागीय परिवहन कार्यालय परिसर में किया गया। इस अवसर पर बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान ने सड़क सुरक्षा की जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके संबंध में सांसद कमलेश पासवान ने कहा कि पूरे प्रदेश में 3 सालों से लगातार सड़क सुरक्षा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में हजारों लोग जान गंवा देते हैं क्योंकि लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते और हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं। सांसद ने कहा कि जागरूकता से सड़क दुर्घटना में कमी आएगी, सभी लोग हेलमेट का प्रयोग करें। इस अवसर पर संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्यामलाल सहित आरटीओ कार्यालय के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा के जागरूकता से 50% वाहन दुर्घटना में कमी आई है। उन्होंने कहा कि जागरूकता वाहन पूरे जिले में जाकर लोगों को जागरूक करेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह और बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान ने कहा, कोरोना महामारी से बचाव हेतु खांसी बुखार सांस लेने माता बेटी बहन और पत्नी का सारिया भारत का राज चला रहा है, जिसके दृश्य इनके 4 रूप है। मालों की लाज बचाकर चलती है बेटियां, दो पहिया वाहन चलाते समय उस पर सवार सभी लोग सीट बेल्ट अवश्य बांधे, वाहन नशे की हालत में वाहन न चलाएं, स्थलों पर कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री आदित्यनाथ योगी द्वारा कौन नहीं है दोस्तों एक दूसरे से कम, खीरा भी है नारिया। परिवहन विभाग नवंबर 2020 संभागीय परिवहन अधिकारी गोरखपुर महोदया श्रीमती अनीता सिंह द्वारा सड़क परिवहन के नियमों के साथ कोरोना महामारी एवं नारी सशक्तिकरण के संबंध में गोरखपुर के समस्त नागरिकों से अपील है कि दो पहिया वाहन चले परिवहन विभाग की तरफ से निरंतर सड़क सुरक्षा सप्ताह त्रैमासिक भी मनाया जा रहा है और विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए जनता को। तो उससे इतना इफेक्ट आ गया है कि हमारे यहाँ सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन करने से जनता सतर्क हो जा रही है और उसका पालन कर रही है, जिसकी वजह से सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 50% की कमी आ गई है, जिससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और इस कोशिश करते हैं कि और भी इस तरह के अभियान चला के हम जनता को जागरूक करते रहें ताकि सड़क दुर्घटनाओं में और भी कमी आती रहे। मैम, वाहन को रवाना किया गया है जो जागरूक करेगा, वो कहाँ कहाँ जाएगा, क्या उद्देश्य? ये पूरे सप्ताह जो है पूरे जनपद गोरखपुर में जगह जगह पर रहकर वो अब सड़क सुरक्षा के नियमों से जनता को जागरूक करेगा। मैम, कितने दिनों तक सप्ताह? तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में और आदरणीय हमारे मंत्री श्री कटारिया जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में ये 3रे साल लगातार मनाया जा रहा है। हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि जिस तरह सड़कों पर हम चलते हैं, सड़क के सुरक्षा को हम फॉलो करें, उनके नियमों को पालन करें, क्योंकि आप जानते हैं और हम सब जानते हैं इस बात को कि पूरे विश्व में सड़क दुर्घटना से काफ़ी लोगों के परिवारों में आहत होता है और सिर्फ कारण यही होता है कि कोई हेलमेट नहीं लगाया है, कोई ट्रैफिक का फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम आज के दिन यही निवेदन करना चाहते हैं अपने सभी आम नागरिकों से कि वो लोग जो भी नियम कानून है उसका फॉलो करें, ट्रैफिक का पालन करें और अगर जो चलेंगे तो अपने आप को बचाएंगे ही बचाएंगे, अपने परिवार की बहुत बड़ी मदद करेंगे। देखिए, ये तो डाटा देखना पड़ेगा कितनी कमी आई है, लेकिन हम इस बात को जरूर कहेंगे इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मीडिया के मार्फत, सरकारी तंत्र के मार्फत, आम जनमानस के नाते, आम नागरिक के नाते, अगर जो हम सब लोग इस तरह सब लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर लोगों में बदलाव की स्थिति होगी और निश्चित तौर पर ये प्रतिशत जो है घटेगा। हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी ने भी पिछले कई वर्षों से हम लोग लगातार इस चीज़ पर हम लोग काम कर रहे हैं कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जितनी कम घटना हो सके उसको हम कैसे नीचे ले आएँ, हमारा यही प्रयास है।